दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाचुंग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि गंगटोक के बाद जो हमारा टूर हुआ वो लाचुंग का हुआ। हम लोग अपने होटल से निकले और होटल से निकलने के बाद हम लोग बस स्टॉप गए, जहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी हायर की और लाचुंग की तरफ चल निकले हैं। और देखते हैं कि ये जो रूट है, लाचुंग का रूट है, वो कैसा देखने में लगता है, क्योंकि ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, आप इस वीडियो के अंत में जो इंड स्क्रीन है उसमें मैंने लगाया है। और इस वीडियो को भी आप बड़े अच्छे से देखें, क्योंकि ये भी वीडियो बड़ा मस्त है, लोकेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा है जैसा हम लोग गुजरते जा रहे हैं रास्तों से, तो वीडियो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। से गुजरते रहे लाचुंग के लिए, वो रास्ता भी बड़ा अच्छा लग रहा है और रास्ते बड़े अच्छे लगते ही हैं, क्योंकि जब आप छुट्टियों का मौसम सफ़र करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ऐसे जगह पे जाएं जहां आपको शांति बहुत ज़्यादा मिलती हो। दोस्तों, ये जो समय हमें लग चुका है गंगटोक से लाचुंग जाने का, कुल समय हमारे पास 4 घंटे लगे थे। और जो लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि वैसे क्षेत्रों में हम आ चुके हैं जहाँ पे देखने के लिए बहुत चीज़ है और घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। आपको लगता है कि अगर आपके पास 5-6 दिन का समय है अपने छुट्टियों को बिताने के लिए, तो आप सिक्किम ज़रूर आएँ। सिक्किम में गंगटोक देखें, लाचुंग देखें, और रास्ते भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलती है। हाँ, डेवलप्ड नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि रास्ते थोड़े से अच्छे नहीं मिले हमें। और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि उस क्षेत्र की डेवलपमेंट कैसी है, क्यों कम है। इसके पीछे एक कारण तो वो वहाँ की लोकेशन जानते हैं, बस मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा है यहाँ के मौसम, आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे आपको। तब तक के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।